मुंह में छाले होने पर खाना पीना सब मुश्किल हो जाता है। छाले कई वजहों से हो सकते हैं, कई बार स्ट्रेस, नींद की कमी और सही मात्रा में पानी ना पीने से मुंह में छाले होते हैं। शरीर में पानी की कमी कई अन्य बीमारियों का कारण भी बनती है। नमस्कार, मैं लखविंदर सिंह आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। यदि आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छाले कई तरह के होते हैं। छोटे छाले, इन्हें सामान्य अल्सर भी कहते हैं। ये छाले सफ़ेद, ग्रे या हल्के पीले रंग के ओवल शेप में होते हैं और इनके आसपास लालिमा होती है। ये काफ़ी दर्द भी देते हैं। NCBI की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार करीब 20% लोगों को छाले होते हैं। छोटे घाव वाले छालों को उनके साइज के हिसाब से अलग अलग वर्गों में रखा गया है। जिन छालों का डायमीटर 1 सेंटीमीटर से कम होता है और 1 से 2 सप्ताह तक ठीक हो जाते हैं, उन्हें माइल्ड सोर छोटे घाव वाले की श्रेणी में रखा गया है। छोटे घाव वाले छाले क्यों होते हैं? स्ट्रेस या बीमारी की वजह से, कमजोर इम्यून सिस्टम या पीरियड्स के दौरान हार्मोन्स में होने वाले बदलाव के कारण, B12 या फोलेट जैसे विटामिन की कमी की वजह से, या फिर आंतों की गड़बड़ी जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रोहन डिजीज, दूषित पीने का पानी, इमोशनल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, स्मोकिंग करने से भी मुंह के छाले होते हैं। कोल्ड सोर, इसे ब्लिस्टर फीवर भी कहते हैं। इसमें मुंह और होठों पर फ्लूइड से भरे छाले हो जाते हैं जो फफोले की तरह दिखते हैं। हल्के लाल रंग के इन छालों में झुनझुनी और जलन महसूस होती है। कोल्ड सोर क्यों कहते हैं? ये छाले सिंप्लेक्स टाइप 1 वायरस HSV-1 के कारण होते हैं। ये छाले होने पर हल्का बुखार, शरीर में दर्द, निम्फ नोड्स में सूजन, हल्के फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं। ये छाले 2 से 6 हफ्ते तक रहते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। बड़े छाले, जिसे मेजर सोर भी कहते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर के डायमीटर वाले छाले के बड़े छाले यानी मेजर सोर कहते हैं। इन्हें ठीक होने में कई सप्ताह या महीने भर का समय लगता है। हर्पेटिफॉर्म अल्सर, इसका दूसरा नाम पिन पॉइंट अल्सर भी है। इनका साइज 1 से 2 मिलीमीटर होता है। अब हम जानेंगे छाले से निजात पाने के लिए घरेलू नुस्खे। हमेशा छाले से परेशान रहते हैं तो बहुत ज़्यादा तले भुने या मसाले वाले खाने से परहेज करें। कम मसाला वाला पौष्टिक खाना खाएं, सलाद या डाइट में शामिल करें, नियमित रूप से जूस और सूप पिएं। मुलेठी, मुलेठी औषधीय गुणों से भरपूर है। छाले दूर करने के लिए मुलेठी चबाएं। इसके अलावा 1 टीस्पून शहद में 1/2 टीस्पून मुलेठी पाउडर मिलाकर खाएं। इससे छाले जल्दी ठीक होते हैं। एलोवेरा जूस, एलोवेरा जूस पेट की गर्मी दूर करता है। इससे छाले ठीक होते हैं। एलोवेरा के पल्प और जूस बनाएं और रोजाना इसका सेवन करें, आपको फायदा होगा। टमाटर में पाए जाने वाले तत्व भी छाले को दूर करने में प्रभावी होते हैं। 1 गिलास पानी में टमाटर का रस मिलाएं। इसका कुल्ला करने से छाले दूर हो जाते हैं। सूखे नारियल के छोटे छोटे टुकड़े मुंह में लें और चबा चबा कर पेस्ट जैसा बनाएं। इन्हें थोड़ी देर तक मुंह में रखें और फिर निगल लें। दिन में 2 से 3 बार ऐसा करें, छालों से निजात मिलेगी। मुँह में छाले हैं तो ठंडी तासीर वाली चीज़ें जैसे खीरा और ठंडा दही सेवन किया जा सकता है। इससे छाले की वजह से होने वाले दर्द और सूजन में राहत मिलती है। पेट की गर्मी, पेट की गर्मी की वजह से बार बार छाले होते हैं तो दिन में थोड़ा थोड़ा पानी या जूस सिप करके पीते रहें। छाले की वजह से होने वाली जलन में आराम मिलेगा। नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और पानी में नीम की पत्तियां और लहसुन के रस को 5 बूंद डालकर उबालें। इससे पानी से गरारे करें, इससे जल्दी छाले ठीक होंगे। हल्दी में हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। गुनगुने पानी में हल्दी और नमक डालकर गरारे करें, इससे छाले ठीक हो जाते हैं। 1 टीस्पून शहद में 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को छाले पर लगाएं, आराम मिलेगा। मुंह के छाले दूर करने के लिए तुलसी के पत्तों का सेवन किया जा सकता है। तुलसी के पत्ते में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो वायरल बीमारियों के साथ ही गर्मी से होने वाली समस्याओं से भी राहत दिलाते हैं। जिन लोगों के मुंह में छालों की समस्या है वो रोज़ तुलसियों के पत्तों को चबाएं, फिर पानी पिएं, फ़ायदा मिलेगा। मुंह में छाले की परेशानी होने पर इलायची चबाने से भी आराम मिलता है। इसके लिए सुबह शाम इलायची चबाएं, बाद में गुनगुने पानी से मुंह को धो लें। इससे मुंह के छालों से आराम मिलेगा और गले की खराश भी कम होगी। छाले ठीक करने में काला मुनक्का भी बहुत उपयोगी है। काले मुनक्का को भिगोकर रात में सोते समय चबाकर खाएं। इससे पेट की गर्मी निकल जाएगी और पित्त दोष भी दूर होगा। ऐसा नियमित रूप से करने से कुछ ही दिनों में मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। सरसों के तेल और नारियल के तेल में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। मुंह में छाले हो गए हो तो इनमें से किसी भी तेल को मुंह के अंदर लगाएं। यदि आप छाले को हल्का ले रहे हैं तो ये आपको बहुत भारी पड़ सकता है। मुंह के छाले ओरल कैंसर का संकेत भी हो सकते हैं। दांत के आसपास जलन या छाले हो रहे हों तो यह स्क्वैमस सेल्स कैंसर की वजह बन सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर के संपर्क करें।
दांत के पीछे या जीभ के निचले भाग पर कई बार छाले होते हैं जो दिखाई नहीं देते। अगर ऐसा महसूस हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। कैंसर फैलने से रोका जा सकता है। अब हम जानेंगे कुछ संकेत जिन्हें होने पर हम डॉक्टर को अवश्य दिखाएं, जैसे छालों की वजह से कई दिनों तक मुंह में दर्द या सूजन रहना, या 2 सप्ताह से ज़्यादा समय तक मुंह के छालों में खून रिसना, या फिर मुंह में छाले होने पर 2 हफ्तों से ज़्यादा तक गले में सूजन रहना, लंबे समय से मुंह के किसी हिस्से या जीभ का रंग बदला हुआ दिखना, या फिर गाल में गांठ या अंदर की तरफ छाला होना और उसकी जल्दी ठीक ना होना, या फिर जीभ का सुन्न होना और बोलने में तकलीफ महसूस करना, या फिर 2 हफ्तों से ज़्यादा गले में भारीपन या खिचखिच महसूस होना, या फिर मुंह या जीभ पर सफ़ेद धब्बे लाइनें दिखना। ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फैमिली ग्रुप में इसको ज़रूर भेजें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।